परीक्षा में आए प्रश्न को लेकर भारतीय राष्ट्रीय संगठन के बैनर तले एनएसयूआई के सदस्यों ने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और कहा आउट ऑफ सिलेबस के दो प्रश्नों का नंबर विद्यार्थियों को दिया जाए। दुर्ग के सेठ रतनचंद सुराना कॉलेज में हुए जांच परीक्षा के प्रश्नों में दो प्रश्न सिलेबस के बाहर का होने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के छात्राओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की, कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में नारेबाजी कर जांच परीक्षा में दिए प्रश्नों को लेकर आवाज उठाई। साथ ही कॉलेज प्रबंधन से विषय से अलग सवाल दो प्रश्नों के नंबर छात्राओं के मार्क्स में जोड़े जाने की बात कही। इस संबंध में कॉलेज की प्रोफेसर और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आंदोलन, पहली बात तो मैं इसको आंदोलन का नाम नहीं देना चाहूंगा। हम लोग यहाँ शांति से ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन टीचर हमारी बात यहाँ सुनने पर पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि हम आपकी बात नहीं सुन पाएंगे। हमने उनको ज्ञापन दिखाया है और उनको बताया कि शांति से हम यहाँ कार्यक्रम करने आए हैं। ये मॉडल पेपर है सर, सुराना कॉलेज का गणित एग्जाम, गणित विषय का। इसमें दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिए गए हैं जो कि ज्यादा मार्क्स के हैं, और यही क्वेश्चन बच्चे पढ़ेंगे एनुअल के लिए। एनुअल 1 तारीख 3 तारीख से एनुअल पेपर है, तो यही बच्चे पढ़ेंगे उसको, और वो इसमें आएगा नहीं तो छात्रों को बहुत दिक्कत होगी। कई लोग इसको मॉडल में भी छोड़ दिए, तो हमारी सिर्फ दो मांग एकदम शांति से है इनसे कि आप एक हमें मॉडल का इसका बोनस मार्क्स दे दीजिए इसका, जो आपने क्वेश्चन गलत डाला है, और दूसरा सब बच्चों को ये सूचित किया जाए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। हमारी यही मांग है सर। और यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल एग्जाम के लिए पैटर्न बच्चों को थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि 2 साल से कोविड के चलते बच्चे बहुत पढ़ाई में सिंसियर नहीं है, तो एक मॉडल पेपर रखा हुआ था कि उनको एक तरीके से नॉलेज हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो हमने नॉर्मल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया था, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न के आते हैं ऐसा सेट कर दिया था और 1.5 घंटे का पेपर रखा था। नॉर्मल सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं तो 3 घंटे का पेपर रहता है, वैसे 5 यूनिट उनको यूज़ करना, पूरा फॉलो करना रहता है। लेकिन अभी हमने उनको सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर रखा हुआ था कि आप 1 से 2 यूनिट जैसा भी आप बनाने का प्रैक्टिस अपना बना लीजिए, ताकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल में आते हैं और आप उस तरीके से सॉल्व करना सीख जाए, ताकि आप एनुअल में अच्छे से अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके। तो और उसके बाद जो हमारा न्यू सिलेबस आया है वो हमने क्लास में भी बच्चों को घूम घूम के सबको बता दिया है कि आपका ये सिलेबस है, और उनका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूरा सिलेबस डाल दिया गया है। बच्चों को बुलाया गया है एक रूम में बैठा के, और वो सारी चीज़ें उनको वापस से, और उनको ये भी बताया गया कि आप अभी जो भी बना रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग इंटरनल मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई करिए और 5 यूनिट का इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस में लाइए। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।